नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा दुबे और आप देख रहे हैं दिल्ली 24। महज 5 दिनों में नवरात्रि का महा उत्सव शुरू होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल समेत भारत में भी कई राज्यों में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए आने वाले 9 दिन बेहद खास होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के पंजाबी बाग में और दिखाएंगे किस प्रकार से माता की मूर्ति बनाई जाती है, उसमें किस प्रकार से चित्रकारिता की जाती है। देखिए गौरव तिवारी की इस खास रिपोर्ट में। इस समय मैं मौजूद हूँ पंजाबी बाग, जहाँ देवी माता की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। किस तरह से बनाई जाती हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे नवरात्रे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो माता की मूर्तियाँ हैं बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। यही हम इनसे बात करेंगे जो इन मूर्तियों को बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर एक बार नाम बता दीजिए। दिलावर सिंह नाम है मेरा। दिलावर सिंह भाई, मेरी तरफ से जवाब करिए, किन चीज़ों से बनाते हैं देवी माता की मूर्तियाँ? ये 70% मिट्टी होती है और 30% इसमें POP होती है। ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग, कहाँ किस तरह की मिट्टी होती है? ये मिट्टी यहाँ दिल्ली से ही आ जाती है। कहाँ से लाते हैं, किस तरह की मिट्टी होती है, क्योंकि आम मिट्टी तो काम करेगी नहीं। ये अपना ये जमुना जी है, जमुना जी की मिट्टी है। ये जमुना जी की मिट्टी है। तो हाँ, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं POP और मिट्टी के अलावा? इसके अलावा इको फ्रेंडली पेंट होते हैं इनके अंदर, सारे इको फ्रेंडली पेंट होते हैं। ये घुलने वाले पेंट होते हैं, सारे एक मिनट में घुल जाते हैं। तो जो दिलावर सिंह जी, इनका साफ तौर कहना है कि 2-3 दिन लगता है। हम आपको और आगे ले चलेंगे, सहयोगी से कहेंगे आगे दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से मूर्तियाँ देख सकते हैं, ये बनाई जा रही हैं यहाँ पे, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे माता दुर्गा की मूर्ति हो, या कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, विष्णु भगवान की मूर्ति हो, देख सकते हैं। अभी भी इधर भी आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम तरह की मूर्तियां हैं, ये आपको बनाने वाले भी यहां बैठे हैं, पेंट कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से, जो ये मिट्टी का देख सकते हैं आप, कि जो माता के हाथ बनाए जा रहे हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं किस तरह से ये माता के हाथ को बना रहे हैं, किस तरह से माता के हाथ को कैसे लगाया जाएगा। भाई साहब एक बार नाम बताएंगे। अशोक कुमार। जिस तरह से देखा जा रहा है, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं और माता की मूर्तियों का काम तेजी से चल रहा है। हाँ जी, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें? इसमें भाई साहब ऐसा है, नारियल जुट, घास और बांस, POP, सभी चीज मिला के तैयार होता है। जो घास होती है, किस तरह की घास होती है? ये नारियल का जुट होता है, नारियल का। हाँ, वो घास होता है। कितने दिन लगते हैं एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति बनाने में कम से कम एक हफ्ता। ये अलग से डाई से हाथ निकलता है, उसके बाद में जोड़ा जाता है। हाँ जी, तो इस तरह से जो माता की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो जमुना की मिट्टी होती है, उसमें कोई केमिकल वगैरह डालते हैं इसमें? नहीं, केमिकल कोई नहीं, खाली मिट्टी होती है। ये मिट्टी है और मिट्टी को जिस तरह से इन्होंने एक पाउडर है उसको मिला करके माता की मूर्ति का जो बनाया जाता है, उसको लेकर के हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। चाहे चक्र की बात की जाए या माता के मूर्ति की बात की जाए, चाहे शेर की सवारी की बात की जाए, तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से माता की मूर्तियाँ हैं, इनको सजाई गई। अब मैं सजी हुई मूर्तियों का आपको दिखाना चाहूँगा कि माता दुर्गा का रूप जिसे कहा जाता है नवरात्रों में, अभी 9 दिन का व्रत रहेगा, तो आप देख सकते हैं शेर की सवारी है, माँ काली के और माँ दुर्गा के गले में देख सकते हैं कि बिल्कुल हार पहनाया गया है, नाग में बिंदी और उसके बाद माथे पे बिंदिया, तमाम तरह के जो चक्र हैं, गदा है, ये सब चीज़ें, त्रिशूल है, गुलाब का फूल है, ये तमाम चीज़ें जो है माता की मूर्ति में लगाया जाता है और उसको सजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो माता के लिए लोग नवरात्रों का व्रत रखते हैं, और ये मूर्तियाँ ऐसी हैं कि जो मंदिरों में स्थापित की जाती हैं, लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है कितनी कारीगरी होती है, जो कारीगर हैं यहाँ पर, इनका साफ तौर कहना है कि इसमें हम तमाम ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे माता की मूर्ति काफ़ी अच्छी दिखे और लोगों को प्रभावित करे अपनी तरफ। ये भी देख सकते हैं कि पन्नी से ढपके माता की मूर्ति को सजाया गया है, पाँव बनाए गए हैं, पाँव में नीलपालिश है, बिंदिया है, पायज है, पावजेब है, तमाम तरह की चीज़ें, मुकुट है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं सजा करके रखे, क्योंकि जैसे जैसे नवरात्रे नज़दीक आते हैं वैसे ही इनकी जो है मांग बढ़ जाती है। तो माता की मूर्ति बनाने में, एक मूर्ति बनाने में करीबन एक हफ्ता इनको लगता है,
और ये मूर्तियां चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह यहां से मूर्तियां लोग ले जाते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गौतम तिवारी, न्यूज 24 दिल्ली।